डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट, सीआईएससी ने अपने एग्जाम डेट शीट सेमेस्टर 2 को रिवाइज कर दिया है। 3 मार्च को उसने आईसीएसई एंड आईएएससी का डेट शीट निकाला था सीआईएससी चीफ गैरी अराथून के ऑर्डर से, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं कि इस डेट शीट आईसीएसई वाले को रिवाइज किया है। इसका रीजन मैं बताता हूँ, इससे पहले आप देख लीजिए कि चेंजेस क्या हुए हैं। पहले के डेट शीट के हिसाब से आईसीएसई क्लास 10th के एग्जामिनेशन शुरू तो एज इट इज 25 अप्रैल को होने हैं और कंक्लूड 20 मई को होने थे, लेकिन अब के जो डेट शीट रिवाइज है उसमें भी 25 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक चलेंगे। स्लाइट डिफरेंस है और यह डिफरेंस मैथमेटिक्स के बाद अन्य सारे पेपरों के लिए जो इम्पोर्टेंट पेपर है उनमें चेंजेज आए हैं। आईएएससी का जो भी डेट शीट है वो एज इट इज है, उसमें चेंजेज नहीं किया गया है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है रिजल्ट का ओरिएंटेशन, क्योंकि सीआईएससी किस तरह से आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएएससी क्लास 12th के रिजल्ट को निकालना चाहती है, ये देख लीजिए। June 6th को आईएएससी के एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाएंगे। सीआईएससी की प्लानिंग ही है कि जिस तरह से एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसी दौरान कॉपी की चेकिंग का भी काम शुरू हो जाए, क्योंकि आईसीएसई एंड आईएएससी के जो सभी पेपर हैं 40 मार्क्स के होंगे, तो उसी तरह से एक बार एग्जामिनेशन होगा और कॉपी की चेकिंग बैक टू बैक होती रहेगी। इस रिजल्ट को 16th of June तक निकाल देने का जो हार्ड एंड फास्ट रूल सीआईएससी ने तय किया है और वह उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। यह बात सभी आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों के प्रिंसिपलों को ऑर्डर दे के बता दिया गया है कि रिजल्ट में किसी तरह के डिले को वो बर्दाश्त नहीं करेगा और यह बैच 2021-22 सेशन वाले को किसी भी कीमत पर रिजल्ट टाइम पर मिलेंगे और उनके दोनों कंक्लूड रिजल्ट में स्टूडेंट के कन्वीनियंस हो। ये कन्वीनियंस ही है जिसके कारण कि 20 मई को कंक्लूड होने वाले आईएएससी के डेट शीट में कुछ रिलैक्सेशन देने की बातें कही गई, और अब ये रिलैक्सेशन 23rd of May तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं, मतलब स्टूडेंट को थोड़ी बहुत लिबर्टी दे दी गई है। इस लिबर्टी के साथ सीआईएससी ने एक और बात बोली है कि जो मार्किंग इवेल्युएशन सिस्टम सेमेस्टर 2 आईसीएसई एंड आईएएससी के लिए होंगे उनमें काफी चेंजेज करे जाने हैं, यानी कि स्टूडेंट की जो सब्जेक्टिव कॉपी की चेकिंग होगी इसको लेकर सीआईएससी ने 2 बातें बताई हैं कि इस बार टीचरों को इनोवेटिव तरीके से स्टूडेंट को मार्क्स देने होंगे। स्टूडेंट की जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हुई और ऑफलाइन मोड में सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कंक्लूड या कंडक्ट होंगे तो स्टूडेंट से गलतियां स्वाभाविक है, और स्टूडेंट के लिए इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर को भी कमीशनिंग किया गया है, यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाए जाने के साथ सिलेक्शन उसी पैटर्न पर होगा। यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है आईसीएसई एंड आईएएससी के स्टूडेंट के लिए कि उनके जो भी रिजल्ट 2022 के हैं वे फिजिकल, डिजिटल और अन्य फॉर्मेट में एक साथ अवेलेबल होंगे, और ये आने वाले हमेशा के लिए, आने वाले हर वर्षों के लिए इंप्लीमेंट कर दिए गए, मतलब स्टूडेंट को ज्यादा सीआईएससी के वेबसाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, उसे उसी तरह से उसे घर पर भी रिजल्ट को भेजे जा सकते हैं। अब ये फॉर्मूला या थ्योरी जो भी सीआईएससी की है कितनी ज्यादा इनैक्ट होती है और स्टूडेंट तक कैसे पहुंचती है, इस विषय पर जानकारी मिलने पर मैं बताऊंगा। एक और बात सामने आ रही है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सीआईएससी चीफ ने कहा है कि वे सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में देने के ख्वाहिशमंद है। अब इस विषय पर ज्यादा जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। इसी बीच आईएएससी के सब्जेक्टिव तैयारी के लिए सैंपल पेपर और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ साथ आईसीएसई के 61 सैंपल पेपर काफी उपयोगी हैं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि वहां से परचेज करते हैं तो इस चैनल को काफी मदद मिल जाएगी। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।